एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। सो कुछ दिनों पहले मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो शेयर की थी, बट उसमें जो है वो बहुत लेंथी भी हो गया था और मेरी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें बहुत ख़राब आई थी, तो सुनाई बहुत लो जा रहा था। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स आए कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और फिर से मैं ये वीडियो बनाऊं, और इतना लंबा नहीं रखूंगी मैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर वाइज मैं अपनी जर्नी बता दूंगी, क्विकली बता दूंगी। और साथ ही साथ मैं आज कुछ फ़ोटोज़ भी अपने शेयर करूंगी, मेरी प्रेगनेंसी की और मेरी आफ्टर डिलीवरी की फ़ोटोज़ भी। तो प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा मेरी ये वीडियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट माय प्रेगनेंसी जर्नी वीडियो। फर्स्ट ऑफ अगस्त 2016 को आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेगनेंट। आई डिड अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट एंड फ्रॉम दैट आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेगनेंट। बट हम कुछ दिनों से ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं, वी विल डू ए ब्लड टेस्ट टू गेट द कंप्लीट 100% श्योरिटी। सो हमने शाम को ब्लड टेस्ट किया और इट वॉज कन्फर्म दैट आई एम प्रेगनेंट। सो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो आफ्टर 10 डेज वन इवनिंग आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर मैगी। मुझे मैगी खाने का बहुत मन किया, तो मैंने थोड़ा सा मैगी खा लिया। तो उसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। तो लकीली उस दिन मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी घर आ गए थे, तो वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी जो गायनिक थी वो इंडिया गई हुई थी। तो उनको हमने इंडिया में कॉल किया, तो उन्होंने एक और गायनिक डॉक्टर का रेफर दिया। तो हम वहाँ पे गए, बट हम वॉक इन गए थे तो बहुत लंबा वेट करना पड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था उसमें कि क्या हुआ है। देन उन्होंने मुझे बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मैं हर 5-10 मिनट में वॉमिट कर रही थी। देन उन्होंने एक मेडिसिन दिया, मैंने खाया और मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो हम लोग घर आ गए। तो अराउंड रात के 11 बजे के आसपास मुझे फिर से वो दर्द स्टार्ट हुआ। तो हम लोग गए फिर से हॉस्पिटल, तो उस टाइम पे क्लिनिक बंद हो गई थी, तो हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वहाँ पे उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया, फिर सलाइन लगाया, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, उल्टियाँ हो रही थी। तो फिर पेन किलर वगैरह दिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेन किलर लेना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने लाइट डोज ही दिया। तो उससे मुझे थोड़ा ठीक लगा, हम लोग फिर से घर आ गए। मैं थोड़ा सा सोई हूँ, बस 1-2 घंटा सोई होंगी। रात के 4 बजे फिर से वही दर्द स्टार्ट हो गया। तो अगेन वी वेंट टू द हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको पेन किलर दिया है, सो हम अभी दे नहीं सकते। बट मेरा जो पेन था वो बहुत ही ज़्यादा था, अनबियरेबल था। तो उन्होंने फिर से कम डोज वाला पेन किलर दिया, सलाइन वगैरह सब चढ़ाया, तो उसके बाद सब ठीक हुआ। देन मॉर्निंग मैं वहीं पर रात में ही रुकी, दे एडमिटेड मी। देन मॉर्निंग को ही डॉक्टर आया और डॉक्टर ने बोला कि चलो अल्ट्रासाउंड करते हैं कि क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो हार्ट बीट बेबी का सुनाई दिया। तब तक हमने कभी भी हार्ट बीट नहीं सुना था बेबी का। तो जब वो हार्ट बीट सुनाई दिया तो 2 हार्ट बीट आए, धक 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 ऐसे करके 2 आए। तो डॉक्टर ने बोला कि यू आर प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, एंड दैट वॉज द मोमेंट विच आई कैंट एक्सप्रेस, कि मैं खुश हूँ कि मैं घबरा जाऊँ, मैं पैनिक हो जाऊँ कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। एनीवे इट वॉज मीन सरप्राइज एंड वी वेर सो ब्लेस्ड दैट गॉड गिव अस ट्विंस। एंड सो मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे उल्टियाँ जो है मुझे बंद ही नहीं हो रही थी। मेरी उल्टियाँ मेरी लगातार हो जाती, मतलब दिन में मैं 20-22 बार उल्टी कर रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखे, तो मेडिसिन खाया, तो फिर भी दिन में 7-8 बार उल्टियाँ हो रही थी। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मुझे मतलब खाना देखते ही मसाला ऑयल वो सब देख के मुझे उल्टी आती थी। मैं बस फ्रूट्स थोड़ा खाती थी। मेरा पूरा 3 महीना जो गुजरा है मैं बस फ्रूट्स, मैं और कुछ नहीं खा पाती थी। मैं तेल मसाला देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी।
और उसके वजह से मैंने वेट लॉस कर लिया काफ़ी। तो आपका आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लॉस करना जो है वो नॉर्मल चीज़ होता है, उससे कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैंने अराउंड 8 किलो लूज़ किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर आया, दैट वॉज द हनीमून पीरियड फॉर अस, सब लोग बोलते हैं, बट हमारे लिए भी था, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। उल्टियाँ थोड़ी कम हो गई थी, वॉमिटिंग मैं दिन में एक बार दो बार या कभी कभी नहीं होता था, ऐसा करती थी मैं, थोड़ा थोड़ा खाने लगी, बट मैं नॉनवेज नहीं खा पाती थी या ऑयल ऐसा कुछ, बस मैं रोटी और हल्की सी एक सब्जी कुछ भी, मतलब कोई भाजी टाइप, भिंडी हो गई, भिंडी मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे, जबकि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा जो डाइट था, मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो डाइट चार्ट था, मैं सुबह उठती थी, मैं ब्रेकफास्ट में मुझे मिल्क पसंद नहीं है बिल्कुल, तो मिल्क मुझे लेना पड़ता था, इसीलिए मैं 1 कप मिल्क, उसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऐड करती थी, क्योंकि मुझे मिल्क का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं 1 कप लेती थी, और मैं एक ग्रीन एप्पल खाती थी। ग्रीन एप्पल खाने से मेरी जो नौजिया का जो सेंसेशन है वो नहीं होता था, वो थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, तो मैं हमेशा ग्रीन एप्पल खाती थी। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वावा जो है वो अमरूद, मुझे वो बहुत पसंद था, तो मैं दिन में 2-3 अमरूद तो मैं खाती थी, और दोपहर को मैं बस 1 या 2 रोटी, उसके साथ थोड़ी सी कुछ सब्जी, शाम को भी मेरा वही कुछ फ्रूट्स खा लिया, और रात को भी वही 1 या 2 रोटी और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी या आलू की सब्जी, बट नो मसाला, ओनली जस्ट थोड़ा सा तेल में फ्राई हुआ होगा, सॉरी। तो मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था, मेरा डाइट यही था, बट मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा खाने पीने लगी थी, मैंने वेट गेन करना थोड़ा स्टार्ट कर लिया था। जो शॉपिंग पीरियड था, क्योंकि उसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही मुझे पता चल गया था हमारा बेबीज का जेंडर क्या है, तो हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दिया था। गाइज, यू नॉट बिलीव, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज रियली हनीमून पीरियड, तो आप लोग घूमिए फिरिए, इंजॉय कीजिए, हाँ लिमिट में कीजिएगा सब कुछ। तो मेरा सब यही चलता रहा, बट मेरा जो प्रेगनेंसी था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला केस था, तो 2 बेबी थे, बट प्लेसेंटा जो था वो एक ही था, तो हम हर हफ्ते रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए जाते थे, हर हफ्ते हमारा अल्ट्रासाउंड होता था, ताकि चेक कर सके कि दोनों जो बेबी हैं वो इक्वली ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो एक ही प्लेसेंटा है, किसी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, तो उस वजह से हर हफ्ते हमारा अल्ट्रासाउंड होता था। दूसरी बात थी, मुझे प्राइवेट डॉक्टर जहाँ पे मैं पहले दिखाती थी, मुझे कंफर्म हुआ था कि मेरी प्रेगनेंसी, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट होता है, तो वहाँ पे रेफ़र कर लिया, क्योंकि हाई प्रेगनेंसी केस था ये मेरा। तो फिर ये होने के बाद डॉक्टर्स को तब तक समझ, मतलब टिल 3 मंथ्स उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो सैक होता है, बेबी 2 सैक में रहते हैं नॉर्मली, एक बेबी का 1 सैक होता है, बट शुरू से हमें डॉक्टर ने बोला था कि आपके जो बेबीज हैं वो एक ही सैक में हैं दोनों, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वो बड़े ग्रो करेंगे तब हो सकता है उनका एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो आपस में उलझ जाए, या बेबीज आपस में उलझ जाए, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है आपके केस में। बट रियली गॉड इज़ काइंड, हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में पता चला कि नो देर इज़, जो जब मैं गवर्नमेंट में शिफ्ट हुई तब वहाँ के जो स्पेशलिटीज़ हैं वो मेरा केस हैंडल कर रहे थे, स्पेशल डॉक्टर जो है, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि नो देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द 2 बेबीज, दोनों अलग अलग सैक में है, बट प्लेसेंटा एक है, तो उसके वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट उतना नहीं है जितना हम लोग पहले सोचते थे। तो ऐसे ऐसे करके मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे थोड़ा हेवी फील होने लगा था, ऑब्वियसली 2 बेबीज थे और मेरी हाइट कम है, तो पेट जो काफ़ी बड़ा हो गया था मेरा, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लग रहा था, सोने में अनकंफर्टेबल, क्योंकि रात रात भर मैं नहीं सो पाती थी, क्योंकि दोनों बेबी 2 साइड में थे, मैं जिस साइड भी घूम के सो वो बेबी किक करने लगेगा, तो मैं सीधा लेट के ही सोती थी, और सीधा लेटना अलाउ नहीं था, तो मैं ऐसे बैठे बैठे ही सोती थी, फिर अराउंड रात के 3:30-4 बजे वो दोनों सो जाते थे, तब मैं
कोई भी साइड लेके मैं सो सकती थी। तब तक वो मुझे अलाउ नहीं करते थे सोने के लिए, वो रात में खेलते रहते थे। तो यही होता था। तो फिर मैंने थोड़ा घूमना फिरना कम किया, बट हम लोग, मैं बहुत एक्टिव थी, बट हम ऐसे क्या करते थे, आधे घंटे जाते थे फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते थे। ऐसे ऐसे दिन भी हुआ कि मैं कंटिन्यूस 2-3 घंटा भी चली हूँ, बट मुझे इतना कुछ पता नहीं चलता था। हाँ, ये होता था कि पेट जो है वो टाइट बहुत हो जाता था, बहुत जैसे पत्थर हो गया है पेट वैसा लगता था, बट वो सब नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सॉरी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा जो 7 मंथ कंप्लीट हुआ, 8 मंथ स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड को मुंबई जाना पड़ा किसी काम से, वो नहीं जा रहे थे, बट मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक है तो आप चले जाओ, एक ही दिन की बात है, अब जाओ, 2 दिन की बात थी। तो वो गए, 1st of April की बात है, वो 31st of January को गए हैं रात को। और रात को नॉर्मली मेरा जो है वो पेट बहुत टाइट हो जाता था, वो है कॉन्ट्रैक्शन टाइप में वो होता था, जो कि मुझे पता नहीं था कि यही कॉन्ट्रैक्शन है, यही फॉल्स पेन टाइप है। तो रात में भी वैसे ही हुआ, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, रात में होता है फिर सुबह तक वो ठीक हो जाता है, हमेशा ऐसा ही होता था। बट सुबह भी ठीक नहीं हुआ, सुबह मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही, कोई भी नहीं है मेरे पास। तो मुझे बहुत डर लगने लगा। तो अराउंड 3 आफ्टरनून को 3 बजे के आसपास मैं सोची कि नहीं, मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, मैं दिखा के आती हूँ। तो मैं जब नीचे उतरी हमारे बिल्डिंग पे, तो वहाँ पे उस दिन 1st of February 2017 को दुबई में आंधी तूफान चल रहा था, इतनी तेज हवा और बारिश चल रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे टैक्सी नहीं मिली। तो हमारा जो हॉस्पिटल था हमारे घर से करीब करीब 10-15 मिनट का रास्ता था। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सॉरी आज भी मुझे वो दिन याद आता है तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है। तो मुझे टैक्सी नहीं मिली, तो मैंने सोचा मेरी जो पहली वाली गायनिक थी उनका जो हॉस्पिटल था वो हमारे घर से वॉकिंग 5-10 मिनट का रास्ता था। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के पास चलती हूँ पहले, वरना अगर टैक्सी नहीं मिल रही है तो उनके पास मैं चल के गई। और बहुत तेज हवा चल रही थी और मैं जा रही हूँ, मैं रास्ते में बैठ गई, उसे चला ही नहीं गया, मुझे लगा कि बेबी यहीं पे डिलीवर हो जाएंगे, इतना पेट पेन स्टार्ट हो गया था मुझे। तो मैं जैसे भी करके उनके पास पहुंची, उन्होंने देखा, चेक किया, और वो एक्चुअली क्लिनिक है, हॉस्पिटल नहीं है प्रॉपर। तो उन्होंने बोला कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन पेन है वो स्टार्ट हो गया है, आप इमिडिएटली अपने हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है उन्हीं के पास है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, आप उसमें चले जाओ। तो तब तक मेरे हस्बैंड को मैंने बता दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने अपने एक फ्रेंड को भेज दिया था मुझे लेने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर, मैं, मेरे एक फ्रेंड आ रहे हैं, मैं उनके साथ चले जाऊँगी, यू डोंट कॉल द एम्बुलेंस। तो उस दिन दुबई में आंधी तूफान के वजह से रोड जो है थे पूरे जैम हो रखे थे, तो हमें जो हॉस्पिटल 15 मिनट में जो पहुँच जाते थे वही हॉस्पिटल हमें पहुँचते 1 घंटा लग गया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, CTG किया, बोला कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, पेन स्टार्ट हो गया है, बेबीज माइट डिलीवर टुडे। और मेरा जस्ट 8 मंथ स्टार्ट हुआ था, मतलब प्री मैच्योर बेबी होंगे, NICU में रहेंगे। और डॉक्टर ने बोला कि हमारे यहाँ पे अभी NICU खाली नहीं है, NICU सब फुल है, तो विल डू वन थिंग, विल डिलीवर यू हियर एंड विल सेव द बेबीज टू अदर हॉस्पिटल। तो यू कैन इमेजिन कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी, मैं अकेली थी, हस्बैंड इंडिया में, मैं यहाँ लतीफ़ा हॉस्पिटल में डिलीवर करूँगी और बेबीज को दूसरे हॉस्पिटल राशिद हॉस्पिटल भेजेंगे वो। तो डॉक्टर ने बोला कि बट यू डोंट वरी, विल ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, हम लोग तुम्हारा पेन कंट्रोल करने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एडमिट किया, बट उन्होंने अंडरटेकिंग मुझसे लिया कि बेबीज अगर डिलीवर आज होते हैं तो विल सेव देम टू अदर हॉस्पिटल। तो मैं बस माता रानी से प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो उन्होंने पेन कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशन वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया। कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद,
मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मेरा पेन कम हुआ। तो ऐसे करके उस दिन मेरी डिलीवरी नहीं हुई और मैं हॉस्पिटल में उस टाइम पे 4 दिन तक रुकी थी, क्योंकि बीच बीच में मेरा पेन स्टार्ट हो रहा था। तो मैं जब तक कंप्लीट उनको श्योरिटी नहीं हुई कि नहीं इसका पेन अभी स्टार्ट नहीं होगा, तब तक उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो मैं 4 दिन तक हॉस्पिटल में थी। उसके बाद आने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि कंप्लीट बेड रेस्ट रहना है आपको, अब काम नहीं ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आप ज़्यादा बहुत एक्टिव हो, उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। फिर मैंने उस टाइम पे मेड हायर किया, तब तक मैं सब कुछ घर का काम अपने से ही करती थी। मेड हायर किया तो वो झाड़ू पोछा बर्तन करके जाता था, तो मैं बस थोड़ा सा खाना बनाती थी। ऐसे ऐसे करके मार्च 10 को मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज सब कुछ चारों ही आए, बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स। आने के बाद हम लोग घूमने फिरने जाते थे, मैं 2-3 घंटे तक चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 14 को मैं एडमिट हुई, 14 मार्च को, क्योंकि उन्होंने बोला कि 14 को मैं एक्चुअली मेरा जो 37 वीक कंप्लीट हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला ट्विंस से 36 वीक कंप्लीट है, मतलब फुल टर्म है, बट तुम्हारा अभी तक पेन स्टार्ट नहीं हो रहा तो वी नीड टू इंड्यूस यू, पेन करवाना पड़ेगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है धीरे धीरे डेटोरेट करना स्टार्ट कर चुका था और बेबीज के लिए वो अच्छा नहीं था। फिर तो उन्होंने मुझे 14 का डेट दिया, मैं जाके एडमिट हुई तो दे सेड कि विल इंड्यूस। मिड इंड्यूस करने से पहले उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किया, उससे पता चला कि मेरे जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन मुझे पूरा ब्लड देंगे वो, नेक्स्ट डे वो इंड्यूस करेंगे। फिर 15 को पूरा दिन मुझे वो ब्लड चढ़ाया, फिर 16 मॉर्निंग को उन्होंने इंड्यूस किया। 2 घंटे के बाद मेरा पेन स्टार्ट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी बट मेरा जो सर्विस था वो ओपन नहीं हुआ ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ। तो 5 सेंटीमीटर ओपन होने के बाद ही वो वाटर सैक जो है वो ब्रेक होता है, फिर 10 सेंटीमीटर ओपन होने के बाद ही बेबीज बाहर आते हैं। तो 16th मॉर्निंग को ही मुझे इंड्यूस कर दिया था, 17th रात के 4 बज चुके थे, 17th अर्ली मॉर्निंग, तब तक मेरा जो सर्विस ओपन नहीं हो रहा था बट मैं पेन में थी। तो उन्होंने डिसाइड किया रात के 4 बजे, उन्होंने पैनल बिठाया अपने डॉक्टर्स का और उन्होंने डिसाइड किया नहीं कि हम लोग सी सेक्शन कर लें क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है, वी कैंट टेक रिस्क। तो इमीडिएटली मुझे 6 बजे वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वो सब कुछ किया जो भी उनका प्रोसीजर था। फिर उन्होंने बोला कि 2 घंटा लगेगा, मैंने सोचा कि 2 घंटा डॉक्टर लगेगा तो मैं थोड़ा सो जाती हूँ। डॉक्टर ने बोला ओके यू टेक रेस्ट, बस मैं थोड़ा लेट ही हूँ। Immediately after 5 minutes, I think, I heard their crying and doctor said, here comes the first twin. Then after 20 seconds only, doctor said, here comes the second twin. And वो मुझे दोनों को दिखाने के लिए लेके आए, but उस time पे बस मैंने एक ही चीज़ पूछी, मैंने कुछ देखा नहीं उनको कुछ नहीं, उनका डॉक्टर do they need NICU? Are they fine? डॉक्टर ने बोला कि just wait, we'll check and tell you. After 10-15 minutes, they said, no, they are completely fine. उनका दोनों का बर्थ वेट था 2.5 किलोस and they said, they are both are healthy babies. They don't need an ICU. You be rest assured. तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, कंप्लीट प्रेगनेंसी की जर्नी। बहुत सारे अप डाउन्स थे मेरी प्रेगनेंसी में बट स्टिल ऊपर वाले ने सब कुछ टेक केयर कर लिया अच्छे से। तो बस मैं उन लेडीज को बोलना चाहूंगी जो भी प्रेग्नेंट है, ट्विन बेबीज के साथ में प्रेग्नेंट है, देखिए प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज समथिंग नेचुरल, बट फिर भी उस वो जो फेज है 9 मंथ, यू नीड एक्चुअल पैम्परिंग। और क्यों ना करें भी हम अपने आप को पैम्पर, यही सबसे मतलब आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज जो होता है ये 9 मंथ्स होता है। आई रियली मिस दोस टाइम्स, आई रियली मिस। तो और ट्विन प्रेगनेंसी हो तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा तो होते ही हैं,
सबसे पहली जो चीज है, आप अपने डॉक्टर की बात कंप्लीटली सुनिए. जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं, जैसा भी जो भी अल्ट्रासाउंड कर बोल रहे हैं, जो भी टेस्ट बोल रहे हैं, सब कुछ मानिए अपने डॉक्टर का. दूसरी जो चीज है, अच्छे से खाना खाइए. ये नहीं मैं बोलूंगी कि आप दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए खाना खाइए. जितना आपका बॉडी ले सकता है, जितना आप खाते हो उतना नॉर्मली सब कुछ खाइए. मैं थोड़ा खाने में ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी. अगर आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छे से खाइए पिए, बिल्कुल मतलब हेल्दी खाइए और साथ में एक्टिव रहिए. ऐसा नहीं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप बस लेटे ही रहोगे. थोड़ा बहुत घर का काम जितना हुआ आप 10 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए. तीसरी चीज जो है, अपने दिल की सुनिए कि मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती. देखो बड़े सब कुछ सब बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बट सब हमारे भले के लिए बोलते हैं, बट आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए आपके लिए सबसे अच्छा क्या है. तो अपने दिल की सुनिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ट्विन प्रेगनेंसी, बेबी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट वो सब आप ज़्यादा फॉलो मत कीजिए. अपनी डॉक्टर की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, बस और कुछ नहीं. क्योंकि इंटरनेट पे जो है वो आप ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन से जो आपको पैनिक कर देगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है. तो इसीलिए स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आराम से रहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जिसने दिया है वही सब टेक केयर करेगा, मैंने पहले भी बोला था, जिसने दिया है वही टेक केयर करेगा, बस आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा. तो ये रहा मेरा प्रेगनेंसी जर्नी. तो होप आप लोगों को इस बार मेरा जो वॉइस है वो क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को कुछ कंप्लेन नहीं रहेगा इस बार. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि मैं ट्विन्स से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू वॉच माय फोटोज. आई make sure that I'll put my some pregnancy photos and my newborn baby's photos also. So till then, thank you, take care, bye bye.